तो हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं सोशल साइंटिस्ट शो, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से आपको चलना है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो टेक्निकल वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमने एक शो बनाया है जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको प्रमोट किया जाएगा और प्रमोशन दिया जाएगा और आपको पब्लिसिटी बढ़ाई जाएगी, जिससे लोगों को जागरूकता मिलेगी कि ऐसे इनोवेटर भी हमारे इंडिया में हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक हमारे गांव के एक बहुत अच्छे मेरा फ्रेंड है जिसने एक रॉकेट बनाया, पोर्टेबल रॉकेट, जिसे हम विदाउट फ्यूल ही चलता है, जो आमतौर पे यूज होते हैं फ्यूल रॉकेट, जो आपने देखे होंगे वो फ्यूल से चलते हैं और उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। उन्होंने कुछ एडवांस इन्वेंट किया है और जिसमें कि जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिक चलता है और रिकंटिन्यू हो सकता है, जो रिएबल है, री इंजीनियरिंग हो सकता है। तो उसको आप देखिए और देखिए कि उसमें कमेंट कीजिए कि कैसे बनाया और उसको भाई को सपोर्ट कीजिए। तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाते रहता है। अगर आप भी ऐसे कुछ बनाते हैं प्रोजेक्ट, जैसे कि सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ भी, सो प्रोजेक्ट टेक्निकल, तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। आप अपना टैलेंट दिखाइए और हम आपकी वीडियो भी शूट करेंगे, सब कुछ आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको कॉम्पिटिशन अवार्ड भी दिया जाएगा। तो मिलते हैं उस लड़के से जिसके ने ये पोर्टेबल रॉकेट बनाया है। चलिए उसको मैं ऐसे उड़ा कर दिखा रहा हूँ आपको, कभी आपने खेलना कर रहा है कि पता ना उठेंगे, तो उसको ऐसे उड़ा देता हूँ मैं, इसके ऊपर रखे मिसाइल के ऊपर, लगता मैंने इसके ऊपर। अब देखना दोस्तों एक बार, दोस्तों आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे साइंटिस्ट से जो बहुत ही गरीब है, लेकिन उसका जो अगर आप टैलेंट देखेंगे तो बहुत ही गजब का है। तो चलिए आज मैं उसको आपसे मिलाता हूँ, हम देखते हैं उसका क्या टैलेंट है। देखो ये जनाब लगे हुए, देखो अपने प्रोजेक्ट पे इन्होंने ये कुछ रॉकेट टाइप का बनाया हुआ है। तो सर से पूछे कि हम इन्होंने कैसे कैसे बनाया और ये क्या क्या इसमें इन्वेंशन किया है इन्होंने। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है, ये बोलने की, बहुत ही कम खर्चे पे बनाया है इन्होंने और सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी झलक दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट है, ये रॉकेट है, क्या आप देख रहे हैं कि ये ट्रायल ले रहे हैं इसका डेमो। मैं चाहूँगा कि सर ये क्या है, पहले तो आप सबसे पहले ये बताइए ये क्या है, मतलब तो जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है ये इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, ये आगे वाले फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक रॉकेट है, जैसे नॉर्मली तौर पे जो यूज हमारे आमतौर पे यूज होते हैं आज के उसमें, वो इलेक्ट्रिक नहीं होते, वो हाइड्रोजन से फ्यूल से चलते हैं और उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है और बहुत ही ज़्यादा खर्च भी महंगा भी होता है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिक रॉकेट है और ये पोर्टेबल भी है, आप कहीं पे भी कैसे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी लैंड हो सकते हैं, रीयूज हो सकता है दोबारा। तो मुझे तो लगता है बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा और बाकी हम इनसे ट्रायल लेते हैं और देखते हैं कैसी वर्किंग होता है, कैसे करता है, जानते हैं सर से। तो सर बताइए आप आगे। आप जानते हो कि नीचे जो ड्रोन यूज किया छोटा उसका साइज छोटा है और ऊपर की मिसाइल यूज किया थर्मा को यूज किया मैंने, मैं चाह रहा था थोड़ा बड़ा कुछ बनाऊँ उसके लिए यार, वो भी चाहिए थोड़ा तो बड़ी बात होती है चाहिए। थोड़े बड़े पंखे लगाते हैं, मोटर लगाते हैं तो ये हवा में उड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नीचे की तरफ जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है।
लेकिन फिर भी ठीक वर्क कर रहा है, जितनी उम्मीद की थी उसके हिसाब से ठीक वर्क कर रहा है। देखो तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इन भाई ने बताया कि अभी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है और इसमें अभी काम चल रहा है, इसका प्रोटोटाइप भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बट ये अभी इसके ट्रायल में अलग अलग लेवल में चेक हो रहा है और उसके हिसाब से सक्सेस भी हो रहा है और आगे उम्मीद करती है कि नेक्स्ट वीडियो तक ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डार्क का सीन है, देखो ये डार्क नाइट में कैसा लगता है। ये रॉकेट का मुझे तो एलियन क्राफ्ट ज्यादा लग रहा है, जैसे कि कोई एलियन स्पेसशिप हो। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा इसमें एक्सपेरिमेंट में ये काफ़ी हद तक सक्सेस रही और जो इसमें कमी है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरी कर दी जाएंगी, उसको आपको फिर पूरी देखने को और पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट मिलेगा। तो सर आप बताइए आप नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ना? लेकिन इसी बैठ के छोटी लगाई है तो बहुत।